हेलो एवरीवन, आज मैं आपको अपना मधुकामनी का प्लांट दिखाने जा रही हूँ। और ये देखिए मेरा मधुकामनी का प्लांट कितना सुंदर और कितना हरा भरा है, और इसमें कितने सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं। और इसके फ्लावर्स बहुत सुंदर होते हैं और इसके फूलों से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। और इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी ग्रीन और कितनी चमकीली हैं। और इसको मैं 1.5 से 2 महीने पहले इसे नर्सरी से लाई थी, तब ये बहुत छोटा सा प्लांट था। और अभी आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कितनी अच्छी है। और मैं इसको जब ले करके आई थी तो इसको सैंडी सॉइल में ही लगाई थी, जैसे मिक्सचर हर पौधे के लिए हम लोग तैयार करते हैं, उसमें वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा सा रेता मिला लें, और उसमें वर्मी कंपोस्ट और कुछ दाने DAP के मिला करके, और तब इस थोड़ी सी मिट्टी लेकर और उसको उसका मिक्सचर बना करके, और तब आप इसको लगाएं तो इसके रूट अच्छे से ग्रो करेंगे और आपका प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रोथ में रहेगा और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से होगी। और मैं 15 से 20 दिनों में इसमें वर्मी कंपोस्ट और DAP डालती हूँ, और 1 मंथ में एक बार फिर इसमें एप्सम सॉल्ट का यूज़ करती हूँ मैं, और फिर इसमें चाय पत्ती, जो यूज्ड चाय पत्ती होती है उसको आप अच्छी तरह से धो लें, और धो करके और आप उसको सुखा के भी डाल सकते हैं इसमें, या फिर आप उसको धोकर और इसके ऊपरी लेयर पर ऐसे ही डाल दें और जब वो सूख जाए उसके बाद आप उसको मिट्टी में मिक्स कर दें, जिससे इसके पत्ते भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, चमकीले, और इसको फ्लावरिंग में भी बहुत हेल्प मिलती है। और इसके फूल तो बहुत ही खुशबूदार होते ही हैं, शाम में जब इसके फूल खिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप भी इस प्लांट को लगाएं, और इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, इसकी कटिंग बरसात के दिनों में आसानी से लग जाती है, और इसको हमेशा बड़े गमले में ही लगाएं तो अच्छे से ग्रोथ करेगा ये। और इसको आप इससे आप अच्छे से फ्लावरिंग लें फिर। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।